हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग वेलोसिटी एनालिसिस करने वाले हैं फोर बार मैकेनिज्म का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर बार मैकेनिज्म को फोर लिंक मैकेनिज्म से भी जानते हैं, या फिर आप इसे क्वाड्रिक साइकिल मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। ओके, तो इस मैकेनिज्म में हम लोग इसका वेलोसिटी एनालिसिस करेंगे आज। लेकिन इससे पहले कि हम लोग वेलोसिटी एनालिसिस करें, थोड़ा सा इस फोर बार मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग इसका वेलोसिटी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो देखो, यहाँ पे ये हमारा फोर बार मैकेनिज्म है। इसमें ये हमारा एडी जो है, ये एक फिक्स्ड लिंक है। यहाँ पे चार लिंक दिख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4। तो एडी लिंक जो है, ये हमारा फिक्स्ड लिंक कहलाता है, फिक्स्ड लिंक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे एबी जो है हमारा, इसे हम लोग ड्राइवर लिंक भी बोलते हैं, ड्राइवर लिंक, या फिर आप इसे रोटेटिंग लिंक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है ए बी, यही इस फोर बार मैकेनिज्म में रोटेट करता है। ओके, अब यहाँ पे बी सी जो है हमारा, ये कपलर है, ये इसे हम लोग कपलर बोलते हैं, और ये हमारा सी डी लास्ट लिंक है। तो ये एक फोर बार मैकेनिज्म है। इसमें अगर हमें ये कहा जाता है कि आप वेलोसिटी ऑफ लिंक बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालिए, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो कि हमारा ये जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगा, वो बी बी ए होगा। और ये इस तरह से होता है कि ये इस लिंक के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ओके, यानी कि हमारा ये बी बी ए होगा, ये लिंक जो होगा इस लिंक के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन आती है, ये हमारा बी बी ए होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। ओके, अगर हम इसे सी डी के लिए कहा जाए, तो इसके लिए भी हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने पे ये हमारा बी सी डी आ जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर हमसे बी सी के लिए कहा जाए, तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, और ये हमारा बी सी बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस फोर बार मैकेनिज्म के लिए रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं और वेलोसिटी एनालिसिस करते हैं। ये जो हमारा एडी लिंक होता है, ये फिक्स्ड लिंक होता है। तो इसमें हम किसी एक पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालें, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, वो जीरो आता है। क्यों? क्योंकि यह हमारा फिक्स्ड लिंक है। तो इस कंसेप्ट से अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो होगा, ये हम लोग इस पाथ से होके जाएंगे, तो ये हमारा वी सी बी प्लस ये हमारा हो जाएगा वी बी ए। ओके, तो एक तो ये होता है। अगर हम लोग इस पाथ से होके जाते हैं, तो इस पाथ से होके जाएंगे, तो फिर इस पाथ से भी वी सी ए ही होगा, क्योंकि सी से ए पे जा रहे हैं। इस केस में हमारा इस पाथ पे वी सी डी है, बट हमारा फिक्स्ड लिंक पे रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होता है, क्योंकि ये हमारा फिक्स्ड है, मोशन नहीं होता है, तो प्लस जीरो। अब अगर हम लोग इन दोनों का कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे बी सी ए बी सी सेम है, तो यहाँ से एक रिजल्ट बन के आता है वी सी बी प्लस वी बी ए इज इक्वल टू वी सी डी। तो ये एक रिजल्ट आप याद रख सकते हो। अब देखो, ये तो हमारा एक छोटा सा कैलकुलेशन था वेलोसिटी एनालिसिस के थ्रू इस फोर बार मैकेनिज्म का। अब अगर हमें इन सब पॉइंट का भी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो इन सब के लिए अब हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं ग्राफ के थ्रू। ओके, तो देखो, यहाँ पे ये जो चारों लिंक है, इसमें हम लोग इस लिंक से स्टार्ट करते हैं। एडी लिंक जो है हमारा, ये फिक्स्ड लिंक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस पॉइंट ए का किसी और पॉइंट के साथ रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी जो होगा, या फिर आप वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे कोई पॉइंट अगर एक्स ले लें, तो यहाँ पे इन सब के लिए सेम ही होता है। तो ए से डी के बीच में यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो सेम ही होगा, या फिर आप कह सकते हो जीरो ही होगा। तो ये हम लोग यहाँ पे ए डी एक ही जगह पे लिख सकते हैं, ये लिख लिया हम लोगों ने ए डी। ओके, अब देखो, इसके लिए तो हम लोगों ने समझ लिया। अब अगर हमें वी बी ए निकालना है, ग्राफ के थ्रू वी बी ए दिखाना है, तो क्या करेंगे, अभी मैं बताया था आपको, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे इसी तरह से इस लाइन के थ्रू, इस मैकेनिज्म के परपेंडिकुलर इस तरह से आया है, तो हम लोग इसी लाइन को इस तरह से लिख लिया। अब ये हमारा क्या हो गया, ए है, और ये हमारा बी आ जाएगा। ये इस तरह से वेलोसिटी वेक्टर में एरो दिया जाता है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब यहाँ से देखो, ये जो हमारा सी डी था, इस मैकेनिज्म के लिए वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी जो होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर होगा इस लिंक के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ओके, यही लाइन को इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है।
तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी। ओके, तो ये हमारा हो गया ये पॉइंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एरो लगा लेते हैं। अब देखो हमें वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि ये हमारा कुछ यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइन और बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें इस तरह से परपेंडिकुलर बनाना है, ये तीनों लाइन मैच कर जाए। तो ये हम लोग कुछ और बड़ा ले जाते हैं थोड़ा सा, आप यहाँ पे ले आए। अब ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। अब इस तरह से देखो ये परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे मैच कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये हमारा बी सी बी आ गया। ये हमारा क्या था, बी ए था, और ये हमारा क्या था, बी सी डी था। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इन तीनों मैकेनिज्म के लिए, इन चारों मैकेनिज्म के लिए हम लोगों ने वेलोसिटी एनालिसिस कर चुके हैं। अब अगर हमें यहाँ पे इन तीनों को करने के बाद वेलोसिटी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू बी बोले निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। यहाँ से देखो बी से लेके एफ तक जाना है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आया है, तो मैं यहाँ पे इसी तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। अब देखो अगर हमें वेलोसिटी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू सी कहे, तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर आएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर आया है, इसे हम लोग इस तरह से यहाँ पे लिखें, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। तो अब हम अगर इन दोनों लाइन को मैच करा दें, तो मैच करा दिया, तो ये जो पॉइंट आएगा ये बी एफ, तो ये जो पॉइंट आएगा मैच करने वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा एफ पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। तो इस तरह से हम लोग इनके लिए भी वेलोसिटी एनालिसिस कर लिए हैं। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी एफ सी। ओके, और इसके लिए वी एफ बी। ओके, और अब अगर हम यहाँ से इस ए और डी वाले पॉइंट को एफ के पास मिला दें, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा एफ के लिए, ए से एफ और डी से एफ के लिए ये रिलेटिव वेलोसिटी हमारा आ चुका है, वी एफ ए से और वी एफ डी से। अब देखो अगर हमें इस पॉइंट के लिए कहे, ये जो हमारा पॉइंट ई है, इसके लिए हमें वेलोसिटी एनालिसिस करने के लिए कहे, तो इस केस के लिए आपको क्या करना है, देखो इस केस के लिए आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है। वो क्या होता है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी का रेशियो होगा, वो इसके इस लिंक के लेंथ के रेशियो के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखे कि बी ई, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ई अपॉन BC, यानी कि वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू C, ये जो होता है ये इक्वल होता है इसके रेशियो के, लेंथ के रेशियो के इक्वल, यानी कि BE अपॉन, ये जो होता है यहाँ पे V लगा लो, V BE है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये इक्वल होगा इस BC के। अब यहाँ से अगर हमें इस V BE को लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं V BE इज इक्वल टू V BC इंटू ये BE अपॉन BC। अब देखो यहाँ पे तो हम लोग ये डिराइव कर रहे हैं इसे, तो यहाँ पे हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं दिया है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से आएगी कि ये जो हमारा सी बी लाइन है, ये हमारा लाइन बी जो है, ये सी बी लाइन, इसमें ये ई पॉइंट, ये जो बी सी लाइन है इसमें ये जो ई पॉइंट है, सपोज करते हैं कि यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे ई दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ से इस ई पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर हमें यहाँ पे E से लेके A तक के लिए कहे रिलेटिव वेलोसिटी, या फिर E से लेके D तक के लिए कहे, तो यहाँ से हमारा इस तरह से हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू A और वेलोसिटी ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू D। तो इस तरह से हम लोगों ने हर एक पॉइंट के लिए वेलोसिटी एनालिसिस कर लिया। पहले तो हमें BE निकालना होता है, इसके लिए BE कैसे निकालेंगे, ये इंटरमीडिएट पॉइंट का फॉर्मूला लगा के। ये क्या होता है कि इन दोनों पॉइंट के, यहाँ से B से C के बीच में अगर कोई रेशियो वाला पॉइंट है, तो उसमें वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो उसके लेंथ के इक्वल होता है। ये कहाँ से फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला हमें मोशन ऑफ लिंक का वेलोसिटी एनालिसिस करने से आता है। ओके, तो अब अगर हम लोग यहाँ से इन सब को कैलकुलेट कर लिए हैं, तो अगर हमें कोई न्यूमेरिकल दिया जाए जिसमें हमें इसका वेलोसिटी एनालिसिस करने के लिए कहे, तो आप बताओ आप कितने इजीली से कर लोगे, क्योंकि इस तरह से आपको बस परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा और साथ में आपको जो न्यूमेरिक वैल्यू दिया होगा उस तरह से आपको ड्रॉ करते जाना है। न्यूमेरिक वैल्यू ड्रॉ करने के बाद आपसे अगर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट के लिए रिलेटिव वेलोसिटी कहे, तो आप लोग उसे मेजर करके बता सकते हो।
तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मोटिवेशन लेवल मेरा दोगुना हो जाता है और मैं इसी तरह के वीडियोस आपके साथ लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।